हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कर्मचारी चयन आयोग है उसने जो नोटिस जारी किया है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन 2019, यानी 2019 में जो जूनियर इंजीनियर्स के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो उसका नोटिस इन्होंने जारी किया है, जिसकी जो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो 13 अगस्त 2019 से जो है स्टार्ट हो चुकी है, मतलब आज से स्टार्ट हो चुकी है। और ये आप जो है 12 सितंबर तक इसको जो है अप्लाई कर सकते हो। 12 सितंबर 5 बजे तक आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हो। जो ऑनलाइन फी पेमेंट की जो डेट रही वो 14 सितंबर तक आप इसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन पेमेंट करना है तो 16 सितंबर तक आप इसको जो है थ्रू चलान के थ्रू इसको आप अप्लाई कर सकते हो। जो इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा उसकी डेट अभी इन्होंने मेंशन नहीं की है, और इसमें लिखा हुआ है कि टू बी नोटिफाइड लेटर, मीन्स ये जो है बाद में साइट के ऊपर इसकी जो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जो वैकेंसीज हैं जो जूनियर इंजीनियर्स की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फिलअप करने वाला है, ये सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इन ब्रांचेज की वैकेंसीज हैं, और इसी का ये जो है एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाएगा। तो ये ग्रुप बी जो के पोस्ट हैं, जो कि नॉन गजटेड पोस्ट हैं इन, और जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो 6 है हमारा, जिसमें इनिशियल बेसिक जो रहेगी 35,400 से 1,12,400 तक इसका आपका जो है पे मैट्रिक्स इसका रहने वाला है। तो डिटेल ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसको हम CPWD भी बोल लेते हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, फराका बैरेज प्रोजेक्ट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस मींस BRO जिसको हम कहते हैं, तो सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नावल, एंड नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके अंदर जो है ये जूनियर इंजीनियर्स की जो पोस्ट है वो फिलअप होने वाली है। तो ये इसमें डिटेल्स ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसमें जैसे कि सेंट्रल वाटर कमीशन में जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पोस्ट है, ऐसे ही हर डिपार्टमेंट में अलग अलग ब्रांचेज की ये पोस्ट यहाँ पे मेंशन की हुई है। वैकेंसीज जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो भी ड्यू कोर्स में पता चल जाएगा, मीन्स कुछ टाइम बाद जो SSC है अपनी साइट के ऊपर इसकी जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड करने वाला है, अभी इसमें कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो ये इसमें जो एज लिमिट है वो मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज के लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स दी हुई है। कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें अप टू 32 ईयर्स के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे दिया हुआ है इसमें टेबल में। और जो एज लिमिट जो काउंट होगी वो आपकी 1/1/2020 जो उसकी जो डेट है वहाँ पे आपको वो उस डेट को आपकी जो एज लिमिट मानी जाएगी, मीन्स काउंट की जाएगी। तो ये एज लिमिट दिया हुआ है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का पोस्ट का, और उसके आगे इन्होंने एज लिमिट को मेंशन किया हुआ है। अब देखिए हम आगे चलते हैं, तो इसमें प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, मीन्स जो सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने हैं ड्यूरिंग फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। असेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें डिग्री और डिप्लोमा इन कंसर्न ट्रेड अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, जैसे कि जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपकी जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस वो होनी चाहिए डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। ऐसे ही अगर आपको जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना है तो डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसे ये जो है असेंशियल क्वालिफिकेशंस की डिटेल यहाँ पे दी हुई है, जो कि आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं, इस नोटिस में देख सकते हैं। और कुछ वैकेंसीज में इसमें जो एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा हुआ है, जैसे कि जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नावल, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नावल, इसमें 2 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस रिस्पेक्टिव फील्ड में मांगा हुआ है। ऐसे ही एक और है हमारा जहाँ पे एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ है, जैसे कि ये है बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस BRO में भी जो है इनको इन्होंने
2 ईयर्स का जो वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क, यही सब उन्होंने मांगा हुआ है, और वही कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, ये यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। जो इसकी फ़ी जो है आपको पे करनी है वो 100 रुपीज़ होगी। उसको आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो या किसी चालान के थ्रू भी आप इसको पे कर सकते हो। अब इसके बाद इन्होंने दिया होगा कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपके क्या क्या रहने वाले हैं। इन्होंने जोन वाइज या रीजन वाइज जो सेंटर्स इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि सेंट्रल रीजन्स में अगर आपको अप्लाई करना है, CR में अगर आपको अप्लाई करना है, तो इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा एटसेट्रा, जो कि इस टेबल के अंदर दिया हुआ है। ऐसे अगर आप ईस्टर्न रीजन्स के अप्लाई करने वाले हैं तो ये वाले आपके जो है सेंटर्स रहने वाले, जैसे कि पोर्ट ब्लेयर है, बोकारो है, धनबाद है, जमशेदपुर एंड सो मैनी, जो ये दिए हुए हैं। ऐसे ही अगर आपको नॉर्थ रीजन्स के लिए अप्लाई करना है तो दिल्ली NCR, अलवर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, देहरादून, हल्द्वानी एंड रुड़की, आपके जो सेंटर्स इनमें से आपको दिया जाएगा। और ये इसके सामने जो है इन्होंने साइट भी दी हुई है जहाँ पे आपको इसको जाके अप्लाई करना, www.ssncnr.net.in। ये जो नॉर्थ रीजन के जो कैंडिडेट्स जहाँ पे अप्लाई करेंगे उनके लिए वेबसाइट्स दी हुई है। उसके बाद अगर मोड ऑफ सिलेक्शन, ये कैसे आप कैसे जूनियर इंजीनियर्स की सिलेक्शन इसमें होने वाली है, तो इसमें रिटन एग्जामिनेशन हो गए आपके, इसमें दो आपके जो रिटन एग्जामिनेशन होने वाले, पेपर 1 जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, और पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप रहने वाला है। तो जो पेपर 1 की अगर बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप, इसकी डेट जो इन्होंने मेंशन नहीं की है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें जो सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है 50 मार्क्स का रहने वाला, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स है। उसके बाद आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो 100 मार्क्स इसमें रहने वाला, मीन्स 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, और 2 आवर्स इसका जो है टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। उसके बाद आपका जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट होगा उसी से जो है आपको 300 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, और वो भी हम आपका जो 2 आवर्स का रहने वाला है। तो पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के जो आपके जो मार्क्स आएंगे, मीन्स जो पेपर 1 को जो क्वालिफाई करेगा वही पेपर 2 में अपियर हो सकता है। अगर पेपर 1 में आपके क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आते तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसमें जो यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिपेयर करके आप एग्ज़ाम को दीजिएगा ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लेके आ सकें। तो ये यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आपका जो एग्ज़ाम क्लियर होता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसके बारे में भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस मीन्स जब आप फॉर्म को अप्लाई करोगे तब आपको पोस्ट प्रेफरेंस वहाँ पे फिलअप करनी है, तो जिसकी जो मेरिट होती है या जिस मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है वो पोस्ट प्रेफरेंस उसमें बहुत मैटर करता है, इसलिए आप अच्छे से जो है पोस्ट प्रेफरेंस को चूज कीजिएगा। और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी मेंशन किया हुआ है इन पेपर 1 एंड पेपर 2, वो जो अनरिजर्व जो कैटेगरीज है उसके लिए 30% है, और OBC एंड EWS के लिए इन्होंने 25% यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अदर के लिए जो है 20% मार्क्स जो है क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने दिए हुए हैं। तो ये जो है बेसिक डिटेल्स हैं या जो ब्रीफ्स हैं इस नोटिस की, जिस एक बार फिर आपको जो है एक बार इस नोटिस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कीजिएगा। तो इस जॉब अपडेट में इतना ही, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम इस पूरी एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे। तो इस जॉब अपडेट में इतना ही। ऐसी जॉब अपडेट पाने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।